हमारा बच जाना इत्तेफाक नहीं, हमारे लिए एक सबक था। वो एक रात हमने जिस तरह बिना किसी डर के गुजारी थी, हम अपनी बाकी ज़िंदगी भी उसी तरह गुजार सकते थे, अगर दूसरों के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना सीख लेते। कुछ ही घंटों में एक अजनबी पर इतना भरोसा कि सीधे घर तक ले आई। परसों के भरोसे के बाद किसी को अपना समझा था, वो भी अजनबी निकला। आपने मुझे बचाया क्यों? पूछना तो मुझे चाहिए कि आखिर तुमने ये बेहुदा हरकत की क्यों? जिंदा रहने की कोई वजह नहीं थी। अच्छा, मरने की वजह मैंने तुम्हारे सुसाइड नोट में पढ़ी। अगर मैं तुम्हारी तरह सोचता तो जब मैं टेंथ में फेल हो गया था ना, मुझे तभी सुसाइड कर लेना चाहिए था। मगर मैंने इसलिए सुसाइड नहीं किया क्योंकि मैं नाइन्थ में पास हुआ था। जिससे मैं प्यार करता था वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मैंने ये सोच के सुसाइड नहीं किया क्योंकि मेरी अम्मी और मेरे अब्बू मुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे। फिर आमिना मेरी जिंदगी में आई जो मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करती थी। मैं बेटी चाहता था लेकिन बेटा हुआ। डॉक्टर्स ने बोला कि आमिना सेकंड चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकती, तब भी मैंने सुसाइड नहीं किया। सोचा जब इरफान की बीवी आएगी तो उसे बेटी समझकर बहुत प्यार करूंगा। फिर इरफान भी चला गया, मगर तब भी मैंने सुसाइड नहीं किया क्योंकि मेरे पास आमिना थी। आमिना भी मुझे छोड़ के चली गई, तब भी मैंने सुसाइड नहीं किया कि शायद एक न एक दिन इरफान वापस आ जाएगा। बेटा, कुछ ख्वाब हैं जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां बहुत जरूरी हैं। मॉडल की जिंदगी बहुत छोटी होती है सुमित। आज नहीं तो कल ये होने ही वाला था, पर अफसोस तो ये है जिसके साथ बाकी जिंदगी गुजारनी थी उसी ने धोखा दे दिया। कादंबरी एक ऐसे इंसान के लिए जो शायद तुम्हारा था ही नहीं, उसके लिए जान देना बेवकूफी नहीं है?
बेवकूफी तो तुम भी कर रहे हो। तुम्हारे मरने से तुम्हारा कर्जा अदा नहीं हो जाएगा, जिंदा रहे तो शायद कर्जा अदा कर सको। तुम्हारे पास तो जीने की वजह भी है, तुम्हारी बेटी। पेशेंट कहाँ है? बाथरूम। हेलो हेलो प्रिंस, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तुम जल्दी से पैसे भेज दो। आप मुझे अकाउंट नंबर एसएमएस कीजिए, मैं पैसे आज ही भिजवाता हूँ। आप कौन? मैं प्रिंस का दोस्त बोल रहा हूँ। सुनिए, उनकी मम्मी को मेरा सलाम दीजिए। किसकी मम्मी को? प्रिंस की मम्मी को। उसने आपको बताया नहीं? उसकी मम्मी को गुजरे हुए तो 10 साल हो गए। जी? नुनू, गेस करो कौन है? तानिया। ओह माय गॉड, कादंबरी चौहान, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या? कि इनका नाम तानिया है। क्या हो रहा है? ये मुझे आपका नाम तानिया बता रहे थे। वो घंटी है जरा, मैं एक मिनट। अरे कुमार सर, आप? हेलो सुमित। कहाँ है नूनू? कहाँ है? वो है ना अंदर है। और ये सब क्या है? क्या सर? मैंने सुना है तुमने अपना ऑफिस खन्ना को दे दिया है और ये प्रॉपर्टी पेपर्स मेरे लिए छोड़कर आ गए, क्यों? सुमित, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या हो गया है तुम्हें। कहीं सुइसाइड वगैरह तो नहीं प्लान कर रहे हो? प्लान करने से क्या होता है सर, होता वही है जो होना है। देखो सुमित, इतने बड़े फैसले इंसान दूसरों के बारे में सोचकर नहीं करता है, अपने बारे में सोचकर करता है। और एक बात याद रखना, कारोबार में हमेशा मुनाफा नहीं होता है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। यह मेरा जाती तजुर्बा है। तुम्हारे पेपर्स। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है सर, पर तजुर्बा गलत फैसले से तो होता है। मुझे मालूम है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे भी समझो। थैंक यू सर। अच्छा मैं चलता हूं। क्या है ये जिंदगी, कभी सब कुछ देकर एक झटके में छीन लेती है तो कभी छीन कर वापस कर देती है, मगर इस लेन देन के लिए जिंदा रहना जरूरी है। नुनू। हाँ मम्मा। नहीं नहीं, जुल्फिकार अंकल एकदम ठीक है। हाँ एकदम बढ़िया, आप मत परेशान होइए, सब एकदम सही। तुम्हारी माँ बड़ी खुशकिस्मत है, मरने के बाद भी तुमने उन्हें जिंदा रखा है। लेकिन कुछ बदनसीब माँ बाप ऐसे भी हैं जिनके औलाद ने उन्हें जीते जी मार डाला। अब बस
डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार है। शहर छोड़कर अपने गांव वापस जा रहा हूं। शायद ज़ोरा को इस सच में कभी नहीं बता पाऊंगा कि जिस टैक्सी में वो बैठी थी उसमें बम मैं नहीं रखा था। जिस इंस्पेक्टर वॉरेन ने उसको बचाया था उसका कातिल मैं ही हूं। बदले की सोच ने मुझे हैवान बना दिया था। या अल्लाह मुझे साथ खैरियत कर पहुंचा दे। माफी के लायक तो नहीं हूं या अल्लाह, हो सके तो एक बेगुनाह इंसान के कत्ल के लिए मुझे माफ कर दे। अब सब भूल जाओ। बचपन में इरफान का टेडी खो गया, बहुत रोया उस दिन इरफान, मैंने और आमिना ने मिलकर उस टेडी को तलाश करने की बड़ी कोशिश की मगर वो मिला ही नहीं। खुदा ना खास्ता आज मेरे इस टेडी को कुछ हो जाता ना तो ये दूसरा झटका मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सॉरी अबू। बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में हारना मगर जिंदगी से कभी मत हारना, क्योंकि हार को जीत में बदलने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है।